हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। आ गए हम आज फिर से नई वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो है वाटर टैंक। अगर आपके घर में पानी का टैंक लीकेज करता है दोस्तों, ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में आपको उस पानी की टैंक का लीकेज को कैसे स्टॉप किया जाए, यानी बंद किया जाए, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ। और हाँ दोस्तों, और एक बात बता दो वीडियो शुरू करने से पहले, दोस्तों पिछले वीडियो में मैं एक वीडियो लेकर आया था हाउ टू इंक्रीज वाटर प्रेशर, यानी पानी का प्रेशर कैसे बढ़ाया जाता है। दोस्तों वीडियो काफी लोगों ने आप लोगों ने बहुत मतलब लाइक कमेंट शेयर किए उस वीडियो को। वीडियो काफी पॉपुलर है अभी भी, लेकिन दोस्तों आप लोगों में से काफी लोगों का दोस्तों ये कहना है उस पंप को, वो पंप कहाँ मिलेगा और उस पंप को कैसे बनाया जाता है, पूरा डिटेल्स में आप लोगों ने मुझसे कहा था एक वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों बहुत जल्द वो वीडियो आने वाली है दोस्तों। उस वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ, एक दो सामान नहीं मिल रहा था, फिलहाल वो सामान दोस्तों मिल गया है। एक दो दिन में मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो को भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो देख लीजिएगा दोस्तों उस पंप को कैसे बनाया जाता है और पूरा डिटेल्स के साथ बनाऊंगा उस वीडियो को मैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। इस वीडियो में आपको उस वाटर टैंक को कैसे रिपेयर किया जाता है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इस टाँकी की बात कर रहा था। दोस्तों दो टाँकी है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो, और दोनों टाँकी जो है इंटरकनेक्शन करा हुआ है। तो सबसे पहले दोनों टाँकी का दोस्तों आप देख सकते हो पानी जो है, पानी काफ़ी खाली हुआ है, मतलब तीन भाग का एक भाग पानी है। आप देख सकते हो जो थोड़ा बहुत पानी है उसको मैं बॉल को खोल दूँ ताकि दोस्तों खाली करना पड़ेगा लीकेज, क्योंकि टाँकी लीकेज कर रहा है। दोबारा इस टैंक कनेक्शन निपल को लगाना पड़ेगा खोलकर। आप देख सकते हो वजह ये है कारण जो लीकेज कर रहे हैं दोस्तों, काफ़ी दिन से मतलब लीकेज करके पूरा एकदम आप देख सकते हो पानी नीचे जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों इस लीकेज रिपेयरिंग को सही करने के लिए मुझे बुलाया गया है यहाँ पे। आप देख सकते हो दोस्तों दो जो टाँकी है दोस्तों 5000 लीटर का टाँकी है। तो दोस्तों इस निपल को मैं खोल कर दोस्तों जो कैसे रिपेयर किया जाता है इसके बारे में आप लोगों के साथ मैं डिटेल से बताता हूँ। आप देख सकते हो दोनों जो टैंकी के साथ में इंटरकनेक्शन करा हुआ है, और टैंकी जो है दोस्तों 5000 लीटर का टैंकी है दो। तो दोस्तों इसे रिपेयर करने के लिए सब सामान लाया हूँ, आप देख सकते हो एम सील, और ये दोस्तों एक जिंक है, एक टाइप का गम है मतलब जिंक, और टेपनल टेप, और एक 14 इंच का आप देख सकते हो, सॉरी 18 इंच का पाना है। तो ये सब तो मुझे लगेगा इस टैंक को दोस्तों, इस निपल को खोलकर क्योंकि लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो पानी जो है खाली हो चुका है, और दोस्तों आप देख सकते हो बशीर अहमद खान दोस्तों टैंकी के अंदर उतर गए हैं। आप लोग जानते होंगे दोस्तों ABC सब कुछ का दोस्तों, ABC सब कुछ का ओनर है बशीर भाई। दोस्तों बशीर भाई इसका ये काम कर रहे हैं, और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, साथ में से सामान भी बढ़ा रहा हूँ आप देख सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों इस निपल को खोलना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो नाट को खोल लिया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मतलब जो टैंक का जो निपल दोस्तों गर्म करके मतलब लगाया था, तो वाशर सही से बैठा नहीं, और ये सब आप देख सकते हो पिघला हुआ भाग जो है उसे साफ नहीं किया और ऐसे डायरेक्टली लगा दिया। तो सबसे पहले दोस्तों ये सबको साफ सफाई करके दोबारा इस निपल को दोस्तों मुझे लगाना पड़ेगा, आप लोगों को लगाकर बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, और दोस्तों इसमें एक भी यूनियन नहीं लगाया आप देख सकते हो, मतलब कोई भी जो काम किया इतना गलती किया इस काम में आप देख सकते हो, मतलब यूनियन तो कम से कम देना चाहिए यार, यूनियन भी नहीं दे इसमें। इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूँ मतलब काम जो है किसी का काम गलती से भी ख़राब काम मत कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए इससे बाद में परेशानी हो। यूनियन तो दोस्तों देना ही चाहिए क्योंकि टैंक निपल कभी भी ख़राब हो सकता है और उसे रिपेयर करना ही पड़ता है। दोस्तों आप देख सकते हो पहले सबसे पहले निपल खोल कर निकाल लिया हूँ बाहर, उसके बाद में ये सब आप देख सकते हो एम सील को दोस्तों सबसे पहले मैं मिक्स कर लेता हूँ सही से। एम सील में दोनों जो भाग होता है उसे मिक्स कर लेना पड़ेगा, उसके बाद में इस जिंक को भी साथ में, ये जो जिंक है दोस्तों यहाँ पे जिंक मतलब नरम करेगा इसको एम सील को, और सही से मिक्स हो जाएगा इसमें। आप देख सकते हो मोरक का ये जिंक एक प्रकार का ये भी गम है, जिंक और जूट का काम GI पेपर में दोस्तों ज़्यादातर यूज होता है। दोस्तों सबसे पहले उसे मिक्स कर आप देख सकते हो वाशर रहेगा निपल में, मतलब टैंक कनेक्शन निपल में एक साइड में वाशर है, ऊपर से मैं एम सील लगा रहा हूँ आप देख सकते हो। एम सील के साथ में जिंक मिक्स करके सही से गोलाई कर इसे लगा दें, उसके बाद में इसमें थोड़ा टेपनल टिप भी लगा देता हूँ। ये दोस्तों जो कर रहा हूँ मैं दोस्तों परमानेंट है, कभी भी लीकेज नहीं होगा इससे,
आप एमसील से ऐसे कर सकते हो, एमसील को और जिंक देकर आप, अगर आपके घर में कहीं भी टैंक कनेक्शन टैंक कनेक्शन लीकेज कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। मतलब ये परमानेंट सॉल्यूशन है, अगर आपके मतलब पाइप में कोई पैर भी रख दिया फिर भी इसमें से लीकेज नहीं होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो लाइन दोस्तों आप देख सकते हो ज़मीन से ले लिया है, कोई मतलब परफेक्ट काम नहीं है क्या, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार लीकेज हो रहा है। तो इस लीकेज को रिपेयर मैं परमानेंट कर रहा हूँ इसलिए एम सी लगाकर, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो अंदर के साइड से भी टर्मिनल टेप लगा दिया हूँ और इसमें साथ में एम सील भी यहाँ से अंदर, पहले बाहर साइड से दिया हूँ, उसके बाद में दोस्तों बाहर साइड में पुश करने के बाद में अंदर साइड से भी थोड़ा एम सील और साथ में आप देख सकते हो जिंक जिसका मैं बात कर रहा था, ये भी एक प्रकार का दोस्तों चीट है, मतलब आटा है इसमें, ये जो मतलब सूख जाने के बाद में पूरा हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाएगा पूरा। उसके बाद में दोस्तों इसका निपल को सिंपली ऐसे वाशर देकर इसे लगा देता हूँ, आप देख सकते हो। इसे लगा दे और इसे टाइट कर देता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक बशीर भाई के चैनल एबीसीडी सब कुछ को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, उसका चैनल का बशीर भाई का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ अगर आप चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।